आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारी, आपको पता होगा कि यहाँ जो है रॉबरी मर्डर का बहुत ज़्यादा इशू रहा है। पिछले साल भी कोई 31 के लगभग जो है वो केसेस हुए थे। उन्हीं केस में से एक है 10-30 जो कि सदर तानने वाला का था, जिसमें कि हाफिज़ इमरान, आपको याद होगा कि रात को जाते हुए उसके पास सवारियाँ थी, वो बेचारा एक टैक्सी ड्राइवर था, तो साथ उसके लेडीज़ जो है वो सवारियाँ थी, तो जा रहा था, रास्ते में तीन बंदों ने उसे रोका और जैसे ही उसको रोका और उसकी जो है ना वो करने की कोशिश की, स्नैच करने की, उसने गाड़ी जो है वहाँ से जब निकालने की कोशिश की तो उस पर फायर किया और वो जो है उसको हिट हुआ। हिट हो के तो बाद में वो एडमिट रहा, एडमिट रह के तो उस बेचारे की डेथ हो गई, जो कि मतलब खुद ही कफालत कर रहा था अपने घर की। उसका एक भाई जो है बेचारा बाहर था, उसको फिर आना पड़ा वहाँ से, तो इतनी जो है वो तकलीफ पूरी फैमिली के लिए हुई। और एक जो है हाफिज, मतलब इतना वो जो है अपने घर का जो खुद कफील था, वो उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा, जैसे पहले भी रहा है रॉबरी मर्डर पे, बड़ा सख्त स्टांस रहा है कि ऐसे मुलजमान को हमारा जो है इंशाल्लाह ताला ना उनके लिए कोई इस तरह की वो नहीं है कि उनको ट्रैक नहीं किया जाएगा। उस पर फिर हमारी टीम बनी, SHO यहाँ मौजूद हैं, SP साहब सदर, DSP, मैं खुद भी मौके पे गया। फिर हमने इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है अपने टेक्निकल ज़राए से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो है ना हम लोग इस गैंग तक पहुँचे। ये टोटल 5 मेंबर हैं गैंग के जो मुख्तलिफ वारदातें पिछले साल करते रहे। उस दिन इसमें से ये 3 मौजूद थे, जिसमें नासिर है, इमरान है, काशिफ नदीम और तौकीर हैं। इसमें से मतलब अभी 2 की बकाया है गिरफ्तारी, बाकी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इन्होंने जो है मतलब इस चीज़ का वो एतराफ़ भी किया है सारा, और इसमें सारी रिकवरी वगैरह जो है वो भी हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आल दो के हम जो बंदा फौत हो चुका उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें इस हद तक ज़रूर वो है कि हमने जो फैमिली है उसके लिए इतना कुछ किया कि जो असल मर्डर है उनको अरेस्ट किया। और इंशाल्लाह ताला इसको जो है अच्छी तरह से एविडेंस के साथ चलान करेंगे ताकि इनको जो है सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इनका जो, जैसे मैंने बताया कि ये एक गैंग है, मुख्तलिफ औकात में ये इकट्ठे होके 2-3 जो भी इकट्ठे हो जाते थे, ख़ास तौर पे इनका ये होता था कि गन पॉइंट पे रॉबरी की ये वारदातें करते थे। जैसे उस दिन ये 3 इसमें थे, 2 मेंबर नहीं थे, तो जहाँ पे भी इनको जो आउटस्कर्ट्स हैं ख़ास तौर पे जो सदर का इलाका है, जहाँ पे पुलिस का एक्सेस यानी कि दूर होने की वजह से देर से वहाँ पहुँच सकती है या इनको पता है, वहाँ पे ये वारदातें करते हैं। इनके लिए बिल्कुल जी इनाम, मेरी तरफ से भी कमेंडेशन सर्टिफिकेट और इंशाल्लाह ताला CPO साहब की तरफ से भी इनको इनाम लेके देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा इनाम इनका ये है कि सोसाइटी इस चीज़ को रिकग्नाइज करे। देखें, जिस मैं खुद भी उससे मिला ऑफिस से, जब वो अभी बिल्कुल ठीक था, मतलब हमें नहीं था आइडिया कि उसकी डेथ हो जाएगी, अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे, तो उससे लास्ट जब उससे बातें हुई तो बिल्कुल वो ठीक था और बड़ा कॉन्फिडेंट था मतलब। और लेकिन बाद में उसकी डेथ हुई तो उसकी वालदा से भी मिला, वो जो पेन होती है वो सिर्फ वो ख़ानदान महसूस कर सकता है। अभी जो खुशी होगी इंशाल्लाह ताला हमारे लिए वो रिवार्ड है जो उस ख़ानदान को होगा कि यार इन्होंने बंदा पकड़ा, वो मुलजिम पकड़े गए, कम अज़ कम वो तकलीफ़ जो वो कर रहे थे कि किसने मारा कैसे मारा, वो चीज़ ख़त्म हो। हमारे लिए वो सबसे बड़ा रिवार्ड है और हम अल्लाह का इसमें शुक्र अदा करते हैं।